ब्रा के बारे में ऐसे 14 इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। ब्रा एक महिलाओं का अंडरगार्मेंट है जिसे वो अपने ब्रेस्ट को सपोर्ट देने के लिए पहनती है। इससे आपकी पर्सनैलिटी निखर कर सामने आती है। कुछ महिलाएं कॉन्फिडेंट दिखने के लिए ब्रा पहनती हैं। क्या ब्रा से जुड़े दिलचस्प तथ्य आपको मालूम है? तो चलिए आपको ब्रा से जुड़े ऐसे 10 अमेजिंग फैक्ट्स बताती हैं, जो शायद ही आपको पता होंगे। पहली बार ब्रेजियर्स नाम के शब्द का उपयोग ईयर 1907 में वोग मैगजीन ने किया था। इसका मतलब सपोर्ट देना होता है। ब्रा यही करती है। कई सालों के बाद इसे ब्रा कहा जाने लगा। ब्रा ब्रेजियर शब्द का शॉर्ट वर्जन है। 1990 के दशक की शुरुआत में ब्रा को बस्ट बॉडीज या फिर बीबी कहा जाता था। एक स्टडी के मुताबिक एक महिला अपनी पूरी जिंदगी में ब्रा खरीदे में 2,75,784 रुपीस खर्च करती है। ब्रा की स्ट्रैप का आविष्कार करने वाले व्यक्ति का नाम मार्क ट्वेन था। उन्होंने इसकी पेटेंट राइट्स भी करवाए थे। पहला पैडेड कप हॉलीवुड के फ्रेडरिक ने 40 के दशक में बनाया था। वो ही थे जिन्होंने पहली पुशअप ब्रा का भी आविष्कार किया था। यर 1889 में मॉडर्न ब्रा चलन में आई थी। इसे फ्रांस की हेरेमनी कोडेल ने बनाया था और इसे कॉर्सेलेट जॉर्ज नाम दिया गया। ये पहनने में भी आसान थी और इससे टाइम की भी बचत होती थी। 1930 के दौरान ब्रा 4 अलग अलग साइज में आती थी। उन्हें ए, बी, सी और डी नाम से वर्गीकृत किया गया था। बाद में उन्हें एग कप, टी कप, कॉफी कप और चैलेंज कप जैसे नाम दे दिए गए। चीन में एक यूनिवर्सिटी है जो ब्रा स्टडीज का एक कोर्स ऑफर करती है। एक ऐसी स्पेशल स्पोर्ट्स ब्रा भी आती है जिसकी कीमत करीब 68,000 है। इसमें हीट सेंसर्स लगे हुए हैं जो ब्रेस्ट कैंसर के लक्षण मैमोग्राम से 6 साल पहले ही डिटेक्ट कर लेते हैं। प्रथम विश्व युद्ध ने ब्रा की किस्मत हमेशा के लिए बदल कर रख दी। कॉर्सेट में यूज किया जाने वाला मेटल युद्ध के लिए बनाए जाने वाले सामानों के लिए यूज होने लगा। कॉर्सेट के पीछे डोरियां होती थी जिससे बहुत ज्यादा कसा जाता था। इसके कसे होने के कारण जी घबराना, पेट में गड़बड़ी, सांस फूलना जैसी परेशानी होती थी। दूसरे विश्व युद्ध में न्यूनतम चीजों से बनी यूटिलिटी ब्रा का उदय हुआ। एक रिसर्च के मुताबिक 98% महिलाएं गलत साइज की ब्रा पहनती हैं। पुराने समय में ब्रा चमड़े से बनी होती थी जिसको पहनने के लिए काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। जापान में एक ऐसी ब्रा भी बनाई गई है जो लव मेकिंग के दौरान खुद ब खुद खुल जाती है। इसके अलावा एक ट्विटर से कनेक्टेड ब्रा भी है। इसे भी जब भी निकाला जाता है तब ये ट्वीट करती है ताकि महिलाओं को खुद एग्जामिन करने के लिए प्रोत्साहन मिले। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और इसी तरह के और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें।